अगर आपकी कार के आगे कोई ट्रक चल रहा है तो सिटी के अंदर कम से कम 20 से 30 मीटर और हाईवे के ऊपर कम से कम 80 से 100 मीटर का डिस्टेंस बनाकर चलो। कुछ लोग सोचेंगे कि हाँ हाँ पता है, कोई नई बात थोड़ी ना है। नहीं 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 सुनो, सब कुछ पता है, यही मानने में गलतियाँ होती है। एक एक्सीडेंट देखा, सोचा आपसे शेयर कर दो। अगर आगे वाले ट्रक के पीछे के हिस्से में बम्पर लगा हुआ है, इनकेस वो ब्रेक मारता है एकदम और आपकी कार उसको टकराती है, तब भी अंदर वाले लोगों के बचने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि एयरबैग्स मोस्टली केसेस में खुल जाते हैं। लेकिन अगर उसके पीछे बम्पर नहीं लगा हुआ है और कार उसके नीचे घुस जाती है तो बचने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि एयरबैग्स नहीं खुलेंगे, क्योंकि एयरबैग्स के सेंसर कार के आगे वाले हिस्से में, बॉनेट वाले हिस्से में होते हैं, वो एक्सीडेंट को डिटेक्ट ही नहीं करेंगे। छोटी सी गलती है लेकिन लोगों की जाने जाती है, आप भी आगे शेयर करना। लियोनेल मेसी 5 साल के थे तब फुटबॉल से प्यार हो गया था, लेकिन बचपन में उन्हें ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी से डायग्नोस किया गया था जिसकी वजह से उनके फिजिकल ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकते थे। अब इसके इलाज के लिए उन्हें एक थेरेपी की जरूरत थी। अब इस थेरेपी की कॉस्ट थी महीने के $900, लेकिन ये एक गरीब परिवार था तो वो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जिस क्लब के लिए ये खेलते थे उन्होंने पे करने से मना कर दिया, और वैसे सभी क्लब्स उनके टैलेंट से बहुत ही इंप्रेस्ड थे, जानते थे, लेकिन फिर भी कोई खर्चा उठाने को तैयार नहीं था, इंक्लूडिंग रिवर। उसके बाद बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के कोच ने उन्हें ट्रायल पीरियड के लिए बुलाया, कहा कि अगर आप ट्रायल पीरियड में पास हो जाते हो तो आपके खर्चे क्लब उठाएगा। और जब फील्ड पर मेसी को खेलते हुए देखा, एफसी बार्सिलोना के डायरेक्टर इतने ज्यादा इंप्रेस हुए थे कि उनके पास उस टाइम पर पेपर नैपकिन था। उसी पेपर नैपकिन के अंदर मेसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया था क्योंकि वो इस रेयर टैलेंट को कुछ पल के लिए भी नहीं खोना चाहते थे। इस कॉन्ट्रैक्ट ने लियोनेल मेसी की जिंदगी बदल दी और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। सुष्मिता सेन 1994 में फेमिना मिस इंडिया एंड देन मिस यूनिवर्स बनी थी, लेकिन जब वो मिस इंडिया के लिए गई थी उनके पास डिजाइनर ड्रेसेस तक नहीं थे। 4 कॉस्ट्यूम्स की जरूरत थी, लेकिन वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी तो उनके लिए ऐसे महंगे डिजाइनर ड्रेसेस बहुत मुश्किल था उस टाइम पर। तब उनकी मां ने उनसे कहा था कि बेटा टेंशन मत ले, लोग तुझे देखने आ रहे, तेरे कपड़े देखने थोड़ी आ रहे। उनकी मां ने दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट से फैब्रिक खरीदा, अपने घर के पास में आए एक पेटीकोट सीने वाले दर्जी को दिया और उसको समझाया कि गाउन कैसे बनाना है। जो फैब्रिक बचा था उसमें से उनकी माँ ने यावर चिपकाने के लिए रोज बनाया। काले कलर के सॉक्स खरीद कर उसको काट कर उसके ऊपर इलास्टिक लगाकर अपनी लड़की के लिए ग्लोव्स बनाए गए। और एक दिन ये भी आया कि उस गाउन को पहन के सुष्मिता सेन मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीती। इस किस्से को लेकर एक इंटरव्यू में सुष्मिता सेन के जो वर्ड्स थे वो ये थे कि इंसान को जो चाहिए होता है उसके लिए पैसों की जरूरत नहीं होती है, इंटेंशंस क्लियर होने चाहिए, और ये बात मुझे मेरी माँ ने सिखाई है। एंशिएंट ग्रीक ओलंपियन माइलो ऑफ क्रोटोन, द ग्रेटेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर ऑफ ग्रीस। माइलो कंटिन्यू 6 ओलंपिक मेडल्स जीते थे, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बने? उनका अपना एक गजब का टेक्निक था और उस टेक्निक को हम सब भी अपने काम में अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत एक छोटे से बछड़े को अपने कंधे पर उठाने से की थी। उनके कॉम्पिटिटर्स उन पर हंसते थे कि पागल बछड़ा तो कोई भी उठा सकता है, कुछ भारी उठा, लेकिन माइलो उनको इग्नोर करते गए और अपना काम करते गए। उस बछड़े को वो रोज उठाते थे। जैसे जैसे बछड़ा बड़ा होता गया, उसका वजन बढ़ता गया, माइलो भी स्ट्रांग होते गए, वो अपने काम में एक्सीलेंट होते गए। और एक दिन ऐसा आया कि वो पूरे बुल को अपने कंधे पर आसानी से उठाने लगे। उनके कॉम्पिटिटर्स भी उठा सकते थे लेकिन माइलो की तरह नहीं, उस लेवल का एक्सीलेंस नहीं था उनके पास। काम का थोड़ा वजन उठाओ लेकिन रोज उठाओ, उसके बाद उसे बढ़ाते जाओ, एक दिन ऐसा आएगा कि आप बड़े बड़े काम बड़े आसानी से कर पाएंगे। और उस दिन लोग सोचेंगे कि यार ये बंदा ये काम इतना आसानी से कर कैसे लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की जॉब कितनी स्ट्रेसफुल रहती होगी? क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। सभी कंट्रीज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के वर्किंग आवर्स को प्रॉपरली रेगुलेट करती है ताकि वो लोग 100% फोकस के साथ इफेक्टिवली काम कर पाए, उनसे कोई चूक ना हो जाए। रिसर्च कहता है कि अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स विदाउट ब्रेक 2 घंटे से ज़्यादा ऑन पोजीशन रहते हैं तो उनके परफॉर्मेंसेस रैपिडली डाउन होते हैं, भले ही ट्रैफिक कम हो, इसीलिए उन्हें हर 2 घंटे में ब्रेक्स दिए जाते हैं। सिल्विया नोबल टेस ने 1984 में अपनी स्टडी पॉलिटिक्स ऑफ स्ट्रेस द केस ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल में उनके स्ट्रेसिस और चैलेंजेस को प्रेजेंट किया था, जिसको इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ सर्विसेज में पब्लिश किया गया था। हम फ्लाइट्स में घूमते वक्त कभी सोचते नहीं है कि कितने सारे लोग बैकएंड के अंदर अपना बेस्ट देते हैं, तब जाके हम लोग फ्लाइट्स के अंदर सेफली घूम पाते हैं।